हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि गंगा जो है पोल्यूटेड नहीं रही। ओके, सो बात करते हैं कि पता चला है दैट इंडियाज नमामि गंगे इज अमंग वर्ल्ड्स 10 मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग कंजर्वेशन एफर्ट। सो देखा जा रहा है कि बिल्कुल इट वॉज पोल्यूटेड, इट वॉज अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स। लेकिन अब जो ये स्टेप्स लिए गए 2014 से लेकर अब तक, हम देखते हैं कि उसके बाद ये पता चल रहा है कि इवन दो गंगा इज पोल्यूटेड, बट गंगा के कंजर्वेशन एफर्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो भी जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, उनमें अब गंगा टॉप 10 में आ रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट, एंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स विद वर्षा मैम। सो यस, आरंभ बैच का प्रारंभ हो चुका है 5th of December से, एंड आई एम होपिंग दैट आप लोग इस फ्री यूट्यूब बैच का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई मेरी क्लासेस भी बहुत सारी आ रही हैं और आती रहेंगी। मेरा कोड वर्षा लाइव है, कोड इसलिए क्योंकि अनअकैडमी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाक से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अनअकैडमी CUET के अंदर मेरे बहुत सारे CUET ज्योग्राफी डोमेन के क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर हम डिलीटेड पोर्शंस जो कि NCERT के सिलेबस से डिलीटेड हैं लेकिन CUET के अंदर आने वाले, तो उनके बहुत सारे सीरीज हम साथ साथ कर रहे हैं। तो वो स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आपको चाहिए वर्षा लाइव कोड। तो इस तरह के ही बहुत सारे और भी एजुकेटर्स क्लासेस ले रहे हैं, उन सबको फ्री में देखने के लिए वर्षा लाइव कोड को यूज़ करें। और बात करते हैं बिल्कुल नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, तो नाम तो सुना होगा है ना, तो नाम तो जरूर सुना होगा, नमामि गंगे जो है वर्ल्ड के मोस्ट 10 मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स में से आ गया है। बात करते हैं कि बेसिकली क्या चेंजेस आए है ना, तो चेंजेस क्या आए। ऑलराइट, तो पता चलता है कि नमामि गंगे इनिशिएटिव जो है ये एक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट था। राइट, इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है गंगा रिवर में जितनी भी पोल्यूशन हुई है उसको रेजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाता है कि जितने भी गंगा रिवर के राइट जितने भी गंगा रिवर के जस्ट अ मिनट या सो जितने भी गंगा रिवर के रिलेटेड जो भी रिवर्स हैं, जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, वो ट्रिब्यूटरीज जो हैं देखा जाता है कि धीरे धीरे इसके साथ प्रोजेक्ट में ऐड हो गए। और ये जो है क्या इसका एम है, ये करता है प्रोमोट करता है रिजुविनेशन को, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ गंगा। तो ये आपको ज़रूर और ज़रूर याद रखना है कि एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिर्फ गंगा ही नहीं उसकी ट्रिब्यूटरीज को और कितने एरिया को कवर करता है, 2500 किलोमीटर। तो जितने लोगों ने 11th में ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि भाई गंगा की लेंथ कितनी है ना, और उसी का एरिया भी बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि इस ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, ये गंगा की रिपोर्ट कहाँ पर आई है, जो कि 10 मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग बताया गया है। ये बताया गया है, अगर आपको याद होगा हमारे नवंबर के करंट अफेयर्स के अंदर था भाई COP15, UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है COP15 जो है उसकी रिपोर्ट रिलीज हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है वो अ फ्लैगशिप वर्ल्ड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि फ्लैगशिप वर्ल्ड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। राइट, और इस वजह से क्योंकि अब इसने बहुत अच्छे एफर्ट्स दिखाए तो ये अब एलिजिबल हो गया है किसके लिए, UN बैक्ड प्रमोशंस के लिए। तो अब यूनाइटेड नेशंस इसको बैकअप देगा और इसको मॉनिटरी फाइनेंशियल वेज में फंडिंग देगा और ज्यादा इसको एनहांस करा जाएगा, क्योंकि एक वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड ग्लोबल मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड बाय यूनाइटेड UNEP बेसिकली एंड UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के, ये हमारे नमामि गंगे को बैकअप देने वाला है। अब बात करते हैं कि नमामि गंगे इनिशिएटिव है क्या, व्हाट इज गंगा रेजुविनेशन प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, तो ये जानना जरूरी। तो देखिए, करंट अफेयर्स के साथ GK को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे करंट अफेयर्स के सेशन में आपको GK इंटीग्रेटेड मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे नमामि गंगे की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में। राइट, तो गंगा रेजुविनेशन प्रोजेक्ट है सबसे पहली बात कि ये क्या है, एक गंगा रेजुविनेशन
प्रोजेक्ट है, ठीक है, आर रेस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ गैंजेस. तो गंगा के जो हेल्थ डिटेरेट हो रही थी, जो उसमें पोल्यूशन हो रहा था, उसको वो रिस्टोर कर रहा है. मेजर फोकस या मेजर पुश जो है वो किस में है, पोल्यूशन को कट करने में, फॉरेस्ट कवर को रीबिल्ड करने में, एंड ब्रिंग अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स टू 520 मिलियन पीपल लिविंग अराउंड इट्स वास्ट बेसिन. तो इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है बेनिफिट्स मिल सके, हेल्दी एनवायरमेंट मिल सके, वाटर का बेस्ट यूज हो सके. तो ये जानना बहुत जरूरी है. यही क्वेश्चन आते हैं. तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है सीयूटी करंट अफेयर्स में कि विच वंस आर द मेजर एम्स ऑफ गंगा, है ना, एंड फाइंड द करेक्ट आंसर्स, है ना. तो चार पांच ऑप्शन देंगे और फिर बोलेंगे कि ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट. तो जब आपको ये एम्स पता होंगे तभी आप उसका आंसर लिख पाएंगे, ठीक है. क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरीगेशन हैव डिग्रेडेड. तो रीजन फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ गंगेस कि भाई गंगा का डिग्रेडेशन क्यों हुआ, तो गंगा की जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है, हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया क्लास 11 में पढ़ा था. और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो गंगा रिवर जो है ये भी ध्यान जानना जरूरी है. तो गंगा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से. और ये जो है फाइनली जाके डिबाउच या ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर. इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स इन इंडिया. और हम देखते हैं ये चार स्टेट्स को क्रॉस करती है, एम आई राइट? तो लेट्स काउंट. तो देखते हैं कि ये कौन कौन से, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, एंड फाइनली इट एंटर्स बांग्लादेश. जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है उससे पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. एक इसका पोर्शन जो है वेस्ट बंगाल से जाता है और उसको हम कहते हैं हुगली. द अदर पोर्शन एंटर्स बांग्लादेश एंड देन इट फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, राइट. अब हम बात करते हैं गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में. तो ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम तो 2014 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ने लेड किया था, जो हमारी न्यूली फॉर्म बीजेपी गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर ये नमामि गंगे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था. जो कि क्या है, वापस से देख लेते हैं, किस पीस पर फोकस करता है, रेजुविनेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को करता है प्रोटेक्ट. चलिए आगे देखते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम ये क्या है. एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है. और इसके अंदर जो है 2014 के अंदर बजट लिया गया जिसका 20,000 करोड़ था टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो 20,000 करोड़ का ये बजट का है, ठीक है, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन रिजुविनेशन करेंगे नेशनल रिवर गंगा की. तो हमारी रिवर गंगा नेशनल रिवर भी मानी जाती है, अगर आपको पता हो. और रिवर गंगा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक सी क्रिएचर मिलता है, राइट, सी क्रिएचर या वाटर क्रिएचर कह सकते हैं, दैट इज रिवर डॉल्फिन, है ना. चलिए, द की अचीवमेंट्स अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम्स, ठीक है. तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना. ये जो है ये ओपन सोर्स से नहीं, ये जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठाया गया है. जो की अचीवमेंट्स है, क्रिएटिंग सीवरेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी. तो अगर आपको पता होगा, हम बार बार पढ़ते हैं क्लास 12th में, आपका सिलेबस है जियोग्राफिकल परस्पेक्टिव एंड रिलेटेड इशूज़ में, हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं और वहाँ हम बात कर रहे हैं सीवरेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, राइट. तो सीवरेज की जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या करते हैं लोग, अनट्रीटेड वेस्ट को डायरेक्ट रिवर में डाल देते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि 12 न्यू सीवरेज या सीवेज प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, है ना. और वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग अ सीवरेज कैपेसिटी, तो ताकि वो डायरेक्ट रिवर के अंदर ना जाए. साथ ही साथ हम देखते हैं क्रिएटिंग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो रिवर का जो बैंक होता है वहाँ पर डेवलपमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि 68 घाट्स या क्रिमेटोरिया प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं. तो देखिए, क्रिमेशंस जो होते हैं उनसे बहुत पोल्यूशन होता है या बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, तो उनको थोड़ा अच्छे तरह से किया जा सके, क्योंकि गंगा हैज़ अ वेरी कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना. तो लोग हिंदूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि गंगा ही पोल्यूट हो जाए. तो इस वजह से इस तरह के कामों को, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किया जा रहा है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन किया गया है भाई. 267 घाट, तो पूरे गंगा के स्ट्रेच में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो पटना, बनारस, चाहे हरिद्वार, ठीक है. रिवर सरफेस क्लीनिंग, रिवर की सरफेस की क्लीनिंग. तो हम देखते हैं जब हम भगवान को चढ़ावा देते हैं तो हम वहाँ फूलों के साथ और भी बड़ी सारी चीज़ें डाल देते हैं, सॉलिड वेस्ट वगैरह, और हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना, पर वहीं पानी पिया, दूध पिया, सब फेंक दिया. तो उनका क्लीनिंग जो है वो हम कर रहे हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. की अचीवमेंट वापस देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो यहाँ जो गंगा में मिलने वाले या गंगा के आसपास मिलने वाले जितने भी एंडेमिक या एंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी जो भी स्पीशीज हैं, उनका कंजर्वेशन किस किस के साथ मिलकर किया जा रहा है, तो देखा जाता है वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसके साथ,
अरे कर्सर कहाँ गया, हाँ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है सॉरी, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट WII देहरादून, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो है CIFRI, ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता एंड उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, इन सबको ये काम दिया गया है कि वो जितने भी अक्वाटिक स्पीशीज हैं उनकी रेस्टोरेशन करें, उनको कंजर्व करें। इसी के साथ साथ हम देखते हैं एफॉरेस्टेशन, गंगा के आसपास जितना भी बड़ा रीजन है उन सबका एफॉरेस्टेशन, वहाँ पेड़ लगाने का अभियान, और ये जो है फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। सो ये जो मेन काम है, ये काम दिया गया है भाई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को, ठीक है, और ये जो है उन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई है और उसके बेसिस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ देखते हैं पब्लिक अवेयरनेस, तो जो गवर्नमेंट है काफ़ी तरह तरह के प्रोग्राम्स को लाई है ना, जैसे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए प्रोग्राम्स है, अवेयरनेस के लिए एक्टिविटीज़ है, जैसे कि रैली, कैंपेन, एग्जीबिशंस, श्रमदान, क्लिनलीनेस ड्राइव, कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें टीवी रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अगर आपको पता होगा तो गंगा थीम सॉन्ग को भी रिलीज़ किया गया है, तो अगर आपको मालूम है कि गंगा थीम सॉन्ग कौन सा है तो फटाक से जाइए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि गंगा थीम सॉन्ग कौन सा है, राइट। और जाने से पहले रीड, यू कैन रीड मोर अबाउट दिस ऑन दिस वेबसाइट https://nmcg.nic.in, नमामि गंगा .aspx, इसके ऊपर आप इसके बारे में और सारी जानकारी ले सकते हैं। बिफोर आई लीव, वेयर वॉज दिस रेवलेशन अबाउट गंगा वॉज मेड नेम द कॉन्फ्रेंस, ये जो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा उसकी रेवोल्यूशन को किस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई है, देखते हैं कौन कौन दोनों के सही आंसर मुझे देते हैं। सो आई विल सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, बाय बाय।